अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरी मिर्च की तोरई की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते लेकिन टेस्ट में लाजवाब होती है। तो कैसे बनाई है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैंने किस पीसेस में तोरी को कट कर धो लिया है और इसको छन्नी में रख दिया है, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और दो प्याज ली है मैंने और इस तरह से पीसेस में मैंने कट कर ली हैं। और ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है, क्योंकि मैं लाल मिर्च का यूज नहीं करूंगी तो मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियां ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और मैं अब इसमें 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालूंगी। तो ये देखिए जो हमारी तोरी है, हम इनको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते हुए ये पानी छोड़ देगी, काफी सारा पानी रिलीज होगा इससे। तो उसको मैं अलग से कटोरी में निकाल के रख लूंगी और फिर से मैं इसको फ्राई करूंगी। मुझे इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्की मुलायम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मुलायम हो चुकी है और जो इसका पानी था वो मैंने अलग से कटोरी में निकाल लिया है। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो फिर से मैं कढ़ाई में डालूंगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 2 चम्मच मैंने ले लिया है देसी घी। अब डालेंगे इसमें हींग। हींग आप अपने कुकिंग में जरूर ऐड किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प करता है। और 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें जीरा। तो इन दोनों चीजों को हम भुनने देंगे। तो अब बारी आती है इसमें लहसुन डालने की। तो लहसुन को हमें बिल्कुल ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का मुलायम करना है जिससे कि तेल में इसका फ्लेवर चला जाए। तो प्याज डाल देंगे, प्याज भी हमें ज्यादा नहीं भूननी है, बस हल्की मुलायम ही रखनी है। अब जितनी भी चीजें डाल रहे हैं इन्हें हमें भूनना नहीं है ज्यादा, ये हमें हल्की कच्ची कच्ची ही चाहिए जिसे हम खाएं तो लहसुन का, प्याज का और तोरी का फ्लेवर आता रहे। तो अब डाल दी है मैंने हरी मिर्च। प्याज हमारी हल्की मुलायम हो ही चुकी थी, तो हरी मिर्च डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना हमें नमक चाहिए। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। तो अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी हल्दी डालने की। ज्यादा हल्दी नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी ही हल्दी डालनी है। अगर हम इसमें ज्यादा हल्दी डाल देंगे तो ये येलो कलर ले लेगी, हमें वो नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ी सी ही हल्दी डालनी है। तो अब हम ये तोरी डाल देंगे। तोरी हमारी अच्छे से मुलायम हो चुकी है, क्योंकि हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, हमने पहले ही इसको फ्राई कर लिया था तो उसमें ही ये पक गई थी अच्छे से। बस थोड़ी सी ही देर हमें इन सारी चीजों के साथ इसको पकाना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये वो जो पानी है ये जो निकला था जब मैं तोरी को फ्राई कर रही थी। तो बस अब हम ये भी डाल देंगे और इसके साथ हम ढककर थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, जब तक ये हमारा पानी अच्छे से फूक ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये पक चुकी है और जितना भी हमने पानी इसमें डाला था वो सारा खुशक हो गया है। तो जैसी हमें चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी ही है। और हमारी जो थोड़ी बहुत कच्ची रह गई थी तोरी वो भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब बारी आती है इसमें नींबू डालने की। 1/2 नींबू का रस मैं इसमें डाल दूंगी, ये आप इस जरूर डालिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ढककर रख देंगे, गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
तो आप देख ही सकते हैं कितनी देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ी डिफरेंट है, तो आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये हरी मिर्च की तोरई की सब्जी पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।